वेलकम, कैसे हैं सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विभू की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स आप सबका, जो आप सब मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, मेरे चैनल को इतना पसंद करते हैं, लाइक शेयर कॉमेंट्स अच्छे अच्छे करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सबके कॉमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ। लेकिन अब मैं अकेली हूँ पढ़ने वाली, आप सब बहुत ज़्यादा हैं करने वाले, फिर मैं स्लो 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 उन सब कमेंट्स को रीड करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, ठीक है। और जनाब, मुझे यहाँ पे आप सबके साथ कुछ अपनी बहुत ही ख़ास बात शेयर करनी है। वो है ये कि मेरी आ रही है हैप्पी एनिवर्सरी, ठीक है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप सबके साथ मैं अपना एनिवर्सरी का फंक्शन शेयर करूँगी। आज मुझे जाना है बाज़ार, मुझे अपनी हैप्पी एनिवर्सरी के लिए कुछ ड्रेसेस जो है पसंद करने, ड्रेसेस पसंद नहीं करने, मैंने अपने माइंड में ना एक ड्रेस सोच रखा है, मैंने वैसा ही ड्रेस तैयार करवाना है, ठीक है। क्योंकि उस तरह का ड्रेस मुझे मिला कोई नहीं, बाजारों में मैं घूम घूम के आ गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ किसी अच्छे से डिजाइनर को जाके, जो है ना, मैं उसका जो है बताती हूँ, ऑर्डर देती हूँ और वो ड्रेस बनेगा, आपके साथ शेयर करूंगी और एनिवर्सरी का तो पूरा फंक्शन दिखाऊंगी। उसमें तो अभी कुछ टाइम है, अभी तो फिलहाल ड्रेस मैंने बनवाना है। और जनाब, ये जो दिन होता है, मुझे लगता है ये बहुत ख़ास हमारी ज़िंदगी का, ये बहुत एक अहम दिन होता है, जो कि हमारी शादी की सालगिरह होती है। वो अहम इसलिए होता है कि इस दिन हम अपना वो वाला घर, जहाँ हम बचपन से लेके बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप का घर, जहाँ पे हमें किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं होती, जहाँ पे हमारी बहुत सारी यादें होती हैं, यहाँ तक कि हम अपने घर में शादी करके चले जाते हैं तो कुछ टाइम हमें वो घर भी पराया पराया लगता है। माँ बाप का घर जो होता है, असल में हमें लगता है कि वही हमारा असल घर था, लेकिन असल घर ये होता है जहाँ हम चले जाते हैं। वो घर छोड़ के इस दिन हमें जाना होता है नई जगह पे, नई जगह पे जाके हमें अपनी ज़िंदगी का नई शुरुआत करनी होती है नए लोगों के साथ। अगर तो आपके वो रिलेटिव होते हैं फिर थोड़ा ईजी होता है, अगर आउट ऑफ फैमिली में होते हैं तो फिर थोड़ा सा वहाँ आपको रहने में, दिल लगाने में, वहाँ उन लोगों के साथ रच मिच जाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये दिन जो होता है ना, ये बेटियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है कि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है न्यू यहाँ से। और अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में ढेरों सारी खुशियाँ दे, मेरी दुआ है। तो जनाब, इस दिन को मैं बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, इसलिए कि यहाँ से मेरी ज़िंदगी की असल शुरुआत होती है, ठीक है, और इसी घर में ज़िंदगी ख़त्म होती है, ठीक है। तो इस दिन को मिस नहीं करना चाहिए और इसके लिए मुझे करनी है तैयारियाँ और आप सबके साथ करनी है मुझे शेयर। और मैं हर साल, मैं कभी भी इस दिन को नहीं जाने देती, मैं इसको ज़रूर सेलिब्रेट करती हूँ, मैं भी, मेरा हस्बैंड भी। मुझे नहीं पता कि अगर कोई कहेगा कि ये दिन मनाना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं, ये दिन मुझे लगता है कि ये बहुत ख़ास होता है आप एक जोड़े के लिए, मियाँ बीवी के लिए, कि उन लोगों को, मतलब मियाँ बीवी को उस चीज़ को याद रखना चाहिए कि इस दिन हम एक दूसरे के साथ हमारे नाम बदल गए थे, कि वालद को छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ नाम अटैच किया गया था, ठीक है, और ज़िंदगी की एक न्यू पार्टनर मिल गया था जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो इस दिन को तो लाजमी सेलिब्रेट करना बनता है और मैं तो करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं करूँगी भी और मैं खुश भी हूँ। और हम दोनों मियाँ बीवी हर साल अपनी सालगिरह शादी की मनाते हैं, अभी भी मनाएंगे बहुत अच्छे से। और मैंने उसके लिए अपने कुछ ड्रेसेस वगैरह का अरेंज करना है, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। तो चलें जनाब, अभी मुझे निकलना है जल्दी जल्दी, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। आ गई मैं बाजार, ड्रेस तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन ना मुझे कोई अभी तक पसंद नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदे से मिलवाती हूँ, चलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उजरी जी और आप देख रहे हैं जी बेबो की रोशनी। थैंक यू सो मच जी, मैं बेबो अपी के पास इस वक्त बैठा हूँ जी, उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेबो अपी को कोई डिज़ाइन समझ में आ जाए, तो इंशाल्लाह फिर हम फाइनल करते हैं या फिर ऑर्डर भी देते हैं इनका, और बाकी इंशाल्लाह फिर आप ब्लॉग में देख लेंगे कि बेबो अपी को हमने फाइनली कौन सा ड्रेस हमने फाइनल किया है। कलर आपने सबने हमें बताए हुए हैं, तो बेबो अभी से इंशाल्लाह अभी हम सेलेक्ट करके तो इंशाल्लाह अभी फाइनल करें। वैसे यहाँ पे काफी सारे डिजाइन लगे हुए हैं, लेकिन मैं अभी सोच रही कौन सा लूँ, तो आपको दिखाते हैं जो भी बनवाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे सब कुछ। ये भी प्यारा है इसका काम, लेकिन ना मेरी समझ में नहीं अभी तक आया। ये देखिए, ये है जी जैकेट, अब ये डिज़ाइन चल रहे हैं, नीचे सिंपल सूट इसके भाई चलता है, सिंपल सूट बना लें, मैक्सी बना लें, ऊपर ये जैकेट, सही। काफ़ी सारी पड़ी हुई है, अभी मैं देखती हूँ कुछ। ये बैक साइड है इसकी,
ठीक जबरदस्त। तो व्यूअर्स बाजार फिर फिर के थक के कपड़ा कोई पसंद नहीं आया, जेड़ा पसंद आया उन्होंने कहा टाइम ते बनेगा नहीं, असी कहा चलो फिर कुछ और सोचने हैं। फिर सर जरी भाई भी मिल गए थे आ गए इतने हूँ अभी भठूरे खाने वास्ते। भठूरे राजा बाजार भी है, ये कॉलेज रोड है, साथ ही सेवर फूड है और ये चौक है जी यहाँ पे जो बेबू आपी बड़े चौक से आगे भटूरे खाते हैं। मैं पहले भी खाती हूँ, चले अभी हम जरा खा पी लें फिर बातचीत करते हैं। चले आए जो सब खाए छोड़े वीडियो खा लो कपड़ा आज जो सब आप खा ले। जैसे आपको पता था मैं बाजार आई थी, रास्ते में जाते जाते मैंने ये एक सीन देखा है, ये देखें जरा ये पाकिस्तान आ ऐसे बनाओ इसकी वीडियो जरा ये क्या डिश है? अच्छा ये डिश है, गाड़ी की छत के ऊपर ही लोड की सुजुकी ना किराया ना देना पावे इससे वजह तो यार मेरी नजर नहीं पड़ी चौधरी साहब की पड़ी, कहते हैं ये देखो मैंने कहा इसको मेरी वीडियो में ले लो। चले जी ऑर्डर का बोला वो सब कहते हैं कि टाइम कम है, ऑर्डर पे नहीं बन सकता, आप फिलहाल बना बनाया ले लो। तो अभी मैं फिलहाल ढूंढ रही हूँ, देख रही हूँ बना बनाया, जैसे कि मुझे मिला मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। फिर मैंने सोचा इस व्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ, जिस व्लॉग में मैं लूंगी वो वाला व्लॉग इंशाल्लाह आप सबको मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। और बैठी हूँ जी मैं बाहर, मेरे जो छोटा सा हमारा लॉन्च है उसमें ये बेड हमने डबल लगाया हुआ है, इस बेड पे अम्मी होती हैं। अम्मी मेरी कल की चली गई हैं लाहौर, मेरी जिम्मेदारी गई है बढ़, क्योंकि अब मुझे यहाँ बैठ के घर वालों को सबको जो काम अम्मी बताती थी कि ये कर लो वो कर लो, अब वो जो है ना मेरे पे आ गए, मुझे बताने पड़ने, अब अम्मी वाली ड्यूटी मैं दे रही हूँ यहाँ पे। पहले अम्मी होती थी, अम्मी यहाँ सोती हैं ना, तो अम्मी फिर सुबह इधर उठती हैं ना नमाज के टाइम, उसके बाद फिर थोड़ी देर लेट गई जब सब उठते हैं, उसके बाद फिर अम्मी घर के काम शाम बता देती है कि ये कर लो वो कर लो, मैं सोई रहती हूँ सुकून से, मैं उठती हूँ फिर देर से। अब अम्मी गई है लाहौर, अभी अभी मेरी अम्मी से बात हुई, मैंने कहा आज, अम्मी कहती ना मैं तो कल ही आई हूँ, अभी तो मैं नहीं आऊँगी दो चार दिन। मैंने कहा चलो वहाँ पे भी छोटी बहन है भाई है, मैंने कहा चलो दो चार दिन रह के फिर आ जाओ फटाफट क्योंकि एक तो हमारा दिल नहीं लगता अम्मी के बगैर, दूसरा अम्मी मेरे साथ रहती मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं घर पे भी नहीं होती, इधर उधर जिधर मर्जी हम तीनों निकल जाते हैं, मैं भी चोई साहब भी बेटा भी अम्मी और ये सब लोग, फिर घर पर अम्मी को बाहर जाना बहुत कम पसंद है, अम्मी को इतना पसंद है, अम्मी कहती ना कहीं चलो, अम्मी कहती ना 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 रश विच मैं कितने खड़ीज गई तो फिर समझ गए हो ना, मतलब रश में कितने गुम हो गई तो फिर लाहौर ले जाने के लिए हम उसको यहाँ से बिठाते हैं बस पे, वहाँ से फिर भाई लेके जाते हैं, वो उतरती नहीं है गाड़ी में से जब तक उसको को लेने ना आ जाओ, कहती ना मेरी गल कराओ मेरे पुत्र नाल, इतने पहुँचेगा फिर उतरांगी, इतनी मेरी सादी अम्मी है। ठीक है तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, इस व्लॉग का जो है मैं इधर ही एंड करूँगी, तो आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, थैंक यू सो मच जो आप हमारे व्लॉग्स को देखते हैं इतना ज़्यादा, जो आप सब पसंद करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।